everyone, happy new year to all and good morning. आज 2nd of January है, कैसे हैं आप लोग सब लोग? I hope आप लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा होगा. और हमने कल न्यू ईयर कैसे मनाया, तो हमारे फ्रेंड्स लोग आए हुए थे घर पर सॉरी तो वो लोग घर पर आए हुए थे, तो मैंने हमारे यहाँ पर न्यू ईयर पर हमेशा अधिकतर दाल बाटी बनती है, तो इंडियन और यूपी स्टाइल में हम लोगों ने बनाया. तो मेरे हस्बैंड यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमने लिट्टी बनाई जो कि वहाँ का बहुत फेमस है लिट्टी चोखा. तो चोखा तो नहीं बना पाए हम लोग ने लिट्टी बनाई, उसको हमने और बाटी बनाई, चूरमा बनाया एंड गट्टे की कढ़ी बनाई. तो बस मैं आप उसी की क्लिपिंग दिखा रही हूँ. आज ये मेरा न्यू ईयर का पहला ब्लॉग है इस ईयर का, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो. और पिक्चर्स वगैरह हम लोग ले नहीं पाए क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी सारा कुकिंग करना था, तो बहुत कम समय में मैंने ये सारी कुकिंग करी. तो मैं आपको बस न्यू ईयर पे छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के सामने लाई हूँ. आई होप आप लोगों को पसंद आए, आप लोग एंजॉय करें और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें. एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. चलिए अब ब्लॉग शुरू करते हैं. हाँ तो गाइस, कि मैं गट्टे की कढ़ी के लिए तड़का दे रही हूँ. मैंने रेसिपी कोई भी शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम था. और अगर आप चाहते हैं गट्टे की कढ़ी की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. तो ये मैंने तड़का दिया कढ़ी में, और कढ़ी ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी. देखिए कितना सुंदर कलर आया है कढ़ी में, और बहुत ईजी है गट्टे की कढ़ी बनाना, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. तो ये मेरी कढ़ी बनकर रेडी है. एंड लिट्टी बनाने के लिए ये मैंने सत्तू का मिक्सचर बनाया था मेरे हस्बैंड ने. इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक, मिर्च डाली थी उन्होंने, और ये सत्तू के अंदर ऐड किया था. एंड ये आटा मैंने गूंदा है चूरमा बनाने के लिए. एंड दिस वन ये बाटी और लिट्टी के लिए अजवाइन डालकर आटा गूंदा है मैंने. एंड ये दाल मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तड़का दिया था, और अब मैं लिट्टी बना रही हूँ. तो लिट्टी बनाने के लिए आटे को अच्छे से गूंद लें और इस तरह से छोटा सा कटोरी जैसे शेप में इसको ले आए. एक्चुअली मेरा हाथ इतना जमा हुआ नहीं है मैं लिट्टी बनाने में, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ. आई होप मैंने अच्छे से ही बनाई हूँ, मेरे को टेस्ट बहुत अच्छा आया था. बट ये अभी बांधने में अभी भी डिफ़िकल्ट होती है लिट्टी का शेप देने में, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे से बन जाए. तो देखिए इस तरीके से स्टफिंग जो बनाई थी सत्तू की, उसको हम इस तरीके से अंदर कटोरी जैसा बनाकर उसमें ऐड अंदर डालेंगे. तो लिट्टी सत्तू का जो मिक्सचर है उसमें हम लोग लाल मिर्च का अचार भी ऐड करते हैं, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. और इस तरह से उसको आटे को बाइंड कर लेंगे, तो ये लिट्टी का अच्छे से बाइंड करेंगे जिससे हमारी बाटी क्रैक ना हो और अच्छे से बन जाए. तो ये देखिए लिट्टी के लिए हमने इसको बाइंड किया और गोल कर लिया. तो स्टफिंग वाली ये बाटी हो गई जिसे लिट्टी बोला जाता है यूपी साइड में. तो ये देखिए नॉर्मल बाटी बनकर ये रेडी है मेरी, और ये मेरी लिट्टी बनकर रेडी है, एंड स्टफ्ड बाटी भी बोल सकते हैं इसे. एंड ये सेंटर में मेरी नॉर्मल एक बाटी बच गई थी, उसमें जगह नहीं थी तो मैंने इसमें रख दी. और ये मैंने इस तरीके से बनाया ये चूरमा के लिए पूड़ी के शेप की बनाकर आटे को गूंद कर इसको बेक करेंगे. इन सबको अब मैं सब सारा ओवन में रख देंगे 400 डिग्री पे एंड फ़ारेनहाइट पे. एंड इसको आधा एक घंटे के लिए बाटी को पकाएंगे, देन पलटेंगे. उसके बाद देन बाटी हमारी कुक हो जाएगी विद इन अ 2 आवर. और ये स्टफिंग जो बच गई है इसको मैं एंड में यूज़ करूँगी. और ये मैंने चूरमा के लड्डू बनाए थे, बहुत इजी है बनाना, बट मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई. एंड मेरी बाटी बनकर भी रेडी है. ये सारा पूरा हम लोगों ने हमारे फ्रेंड्स इनको इनवाइट किया था उन लोगों के लिए. और ये पूरी मैंने राजस्थानी एमपी यूपी का सबका मिक्सचर बनाया था. एंड सेवैया का खीर मेरी फ्रेंड रिया लाई थी. और ये मेरी पूरी थाली जो कि न्यू ईयर थाली कहेंगे इसे, तो
तो यही था, और दिस इज़ द गिफ्ट जो मेरे फ्रेंड रिया ने मुझे और मेरे हस्बैंड को दिया. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा. बाय बाय.